गृह मंत्रालय की तरफ से अपडेट है। गृह मंत्रालय निरंतर लॉकडाउन मेजर्स के एनफोर्समेंट को मॉनिटर कर रहा है। जहां भी लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है, वहां राज्य सरकारों के साथ संपर्क करके उचित कार्रवाई की जा रही है। कल गृह मंत्रालय ने एक बार फिर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर राज्यों का ध्यान इस बात पर आकृष्ट किया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उनमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राज्य सरकारें इन दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करेंगी। अपने लोकल एरियाज की आवश्यकता अनुसार वे ज्यादा सख्त कदम उठा सकती हैं, परंतु दिशा निर्देशों को डाइल्यूट नहीं कर सकती, कमजोर नहीं कर सकती। गृह मंत्रालय ने उनका ध्यान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 31 मार्च 2020 के आदेश में की गई टिप्पणी की ओर भी आकृष्ट किया है कि सभी राज्य सरकारें, सार्वजनिक प्राधिकारी और देश के नागरिक ईमानदारी और निष्ठा से सार्वजनिक सुरक्षा के हित में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों और आदेशों का पालन लेटर और स्पिरिट में करें। यह पत्र इसलिए आवश्यक हो गया था क्योंकि कुछ राज्यों में उन गतिविधियों को भी इजाजत दी जा रही थी जिनकी गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अंतर्गत अनुमति नहीं है। गृह मंत्रालय ने कल पत्र लिखकर केरल सरकार द्वारा जारी संशोधित दिशा निर्देशों पर भी अपनी चिंता व्यक्त की है। कुछ गतिविधियों की अनुमति दी गई है उनके द्वारा जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों का उल्लंघन है और लॉकडाउन नियमों को भी क्षीण कर रहा है। उनसे अनुरोध किया गया है कि राष्ट्रीय लॉकडाउन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें। कुछ जिलों में भी लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन के कुछ मामले सामने आए हैं जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। कुछ जिलों में कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति गंभीर है या गंभीर होती जा रही है, जैसे राजस्थान में जयपुर, मध्य प्रदेश में इंदौर, महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, हावड़ा, 24 परगना नॉर्थ, मेदिनीपुर ईस्ट, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कालिम्पोंग। इन चारों राज्यों के प्रभावित जिलों का ऑन द स्पॉट आंकलन करने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत गृह मंत्रालय ने 6 इंटर मिनिस्टीरियल सेंट्रल टीमों का गठन किया है। ये टीमें अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच चुकी हैं। इन टीमों का भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी के स्तर के अधिकारी लीड कर रहे हैं। प्रत्येक टीम में 6 सदस्य हैं, जिनमें एक सीनियर पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट तथा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के एक सीनियर अधिकारी भी शामिल हैं। इस प्रकार गृह मंत्रालय का यह प्रयास है कि उपलब्ध एक्सपर्टीज को जितना मुमकिन हो सके उतना राज्यों के साथ साझा करें, जिससे कि लोक हित में सबकी मदद हो सके। ये टीमें हॉटस्पॉट एरियाज, हेल्थ और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रबंधन और आपदा प्रबंधन के मुद्दों पर राज्य सरकारों का सहयोग करेंगी तथा लॉकडाउन नियमों के अनुपालन के अलावा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा, गरीब एवं श्रमिकों के लिए राहत शिविरों की स्थिति आदि पर अपनी रिपोर्ट देंगी। आशा है इन कदमों के साथ हम मिलकर कोविड-19 के खिलाफ अपनी मुहिम में सफल होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। हेल्थ मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव प्लीज। अब तक टोटल 2,546 लोग क्योर हो चुके हैं, जो कि हमारी ओवरऑल क्योर परसेंटेज को 14.75% तक लेके जाता है। कल से एडिशनल कन्फर्म केसेस देश में 1,553 आए हैं, विच टेक्स द टोटल नंबर ऑफ कन्फर्म केसेस इन द कंट्री टू 17,265। लास्ट 24 आवर्स में 36 न्यू डेथ भी रिपोर्ट हुई हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कोविड-19 मैनेजमेंट की तैयारियों की समीक्षा के तहत
कल राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का दौरा भी किया। उन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर्स के एफर्ट की तारीफ की, कहा कि आज जो हमारा इंक्रीज रिकवरी रेट आ रहा है वह हमारी क्वालिटी ऑफ केयर को रिफ्लेक्ट करता है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन 2.0 के दौरान लाइफ में डिसिप्लिन लाने से हम लोग रिच डिविडेंड्स पा सकते हैं, जिससे हमें कोविड की लड़ाई जीतने में सफलता मिलेगी। G20 एक इंटरनेशनल फोरम है जिसमें 19 देश और यूरोपियन यूनियन के नेशन मेंबर्स फाइनेंशियल इश्यूज के साथ साथ सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज पर भी डिस्कस करते हैं। G20 के मेंबर नेशंस वर्ल्ड का 80% इकोनॉमिक आउटपुट, ग्लोबल पॉपुलेशन 2/3 और 3/4 जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उस G20 के स्वास्थ्य मंत्रियों की कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा मीटिंग हुई, जिसमें कोरोना वायरस से निपटने के लिए कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन के इशू पर डेलिब्रेट किया गया। माननीय मंत्री जी ने इन टेस्टिंग टाइम्स के दौरान सभी मेंबर स्टेट्स के साथ मिलकर काम करने के लिए भारत के कमिटमेंट को जाहिर किया। उन्होंने कहा कि भारत G20 के देशों के साथ मिलकर वैक्सीन डेवलपमेंट और ड्रग डेवलपमेंट पर काम करना चाहेगा। इसके साथ ही गवर्नमेंट ऑफिसेज के कामकाज के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने अधिकारियों को एक गाइडलाइंस के द्वारा वायरस के स्प्रेड को रोकने में संबंधित प्रिकॉशनरी मेजर की सलाह दी है, जिसमें बताया गया है कि ऑफिशियल्स रीयूजेबल क्लोथ फेस कवर यूज करें, डिसइंफेक्शन प्रोटोकॉल का स्ट्रिक्ट फॉलो करें, फ्रीक्वेंटली सोप या पानी से हाथ धोएं या फिर हैंड रब या सैनिटाइजर को यूज करें और ऑफिशियल्स एक दूसरे के बीच में एडिक्वेट डिस्टेंस मेंटेन करें। साथ ही किसी भी जगह पर 5 से अधिक लोगों की गैदरिंग को अवॉइड करना है। डबलिंग रेट ऑफ केसेस, जिसका मतलब है कि कितने दिनों में टोटल केस काउंट डबल हो रहा है, उसको हम अलग अलग इंटरवल्स पर कैलकुलेट करते हैं और जिसके तहत हमने पिछले 7 दिनों के डबलिंग रेट के बेसिस पे जब कैलकुलेट किया तो देखा कि इंडिया का डबलिंग रेट लॉकडाउन से पहले जो 3.4 था अब वह इम्प्रूव होकर 7.5 हो चुका है। और इससे संबंधित और भी एक अच्छी न्यूज़ ये है कि अगर हम 19 अप्रैल तक का डेटा लें तो इस नेशनल एवरेज के तहत 18 स्टेट्स में नेशनल एवरेज से बेटर परफॉर्मेंस और बेटर इम्प्रूवमेंट नोटिस किया गया है, जिसमें कि दिल्ली में डबलिंग रेट 8.5 डेज है, कर्नाटका में 9.2 डेज है, तेलंगाना 9.4 डेज, आंध्र प्रदेश 10.6 डेज, जम्मू कश्मीर 11.5 डेज, पंजाब 13.1 डेज, छत्तीसगढ़ 13.3 डेज, तमिलनाडु 14 डेज और बिहार 16.4 डेज। ये जितने राज्य हैं यहाँ पर 20 से कम करीब डबलिंग रेट नोटिस किया गया। इसके साथ ही कुछ राज्यों में 20 से 30 के दिनों में भी डबलिंग रेट नोटिस किया गया, जो उनकी परफॉर्मेंस को दर्शाता है, जिसमें अंडमान निकोबार 20.1 है, हरियाणा 21 डेज, हिमाचल प्रदेश 24.5 डेज, चंडीगढ़ 25.4 डेज, असम 25.8 डेज, उत्तराखंड 26.6 डेज, लद्दाख 26.6 डेज। इसके साथ ही हमारी कुछ स्टेट इवन उनका 30 दिनों से भी ज़्यादा डबलिंग रेट, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस, उनका केस मैनेजमेंट में हम इम्प्रूवमेंट नोटिस कर रहे हैं, वह है उड़ीसा और केरला। मैं ये एक बहुत अच्छी हार्टनिंग न्यूज़ के रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। और राज्य और जिला स्तर पर जो हमारे कोविड के फील्ड वॉरियर्स काम कर रहे हैं इस विषय में, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। इट इज़ हाउएवर वी वुड ऑल्सो लाइक टू पॉइंट आउट कि हम एक लड़ाई में हैं, हम एक बैटल में हैं और हम आराम नहीं कर सकते। एक भी दिन की हमारी विफलता या एक भी व्यक्ति की विफलता हमारे इस QA रिजल्ट को, परिणामों को नेगेट कर सकती है, और इसलिए ज़रूरी है कि हम सारी गाइडलाइंस का यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन करें। हमें कुछ और राज्यों से अच्छी खबरें भी आ रही हैं, जैसे गोवा के सभी पेशेंट्स को रिकवरी के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, अब गोवा में कोई भी एक्टिव केस नहीं है। इसी तरीके से जैसे कि कल आप लोगों की दृष्टि में लाया था, माही और कोडगू इन दोनों जिलों में जहां पर कि पिछले 28 दिनों से कोई केस नहीं आया था, उसमें एक और जिला जुड़ गया है, वह है पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से। साथ ही टोटल 59 डिस्ट्रिक्ट्स हैं 23 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से जहां पर पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है, जिसमें 6 नए जिले जुड़े हैं, वह हैं डूंगरपुर और पाली राजस्थान से, जामनगर मोरबी गुजरात से, नॉर्थ गोवा गोवा से, गोमती त्रिपुरा से। और इससे संबंधित
हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि फिर भी हमें हर तरीके से सतर्क रहने की आवश्यकता है। दूसरे देशों की तुलना में अगर भारत आज इस सिचुएशन को मैनेज करने में प्रयत्न कर रहा है, उसमें जो भी रिलेटिव सक्सेस मिली है, उसका सबसे मुख्य कारण है कि इस लड़ाई में गवर्नमेंट के साथ साथ हर सिटीजन मिलकर लड़ाई लड़ रहा है। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, कोऑपरेशन और कम्युनिटी लीडरशिप हमारे मैनेजमेंट का एक मुख्य कारण रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील के तहत देश का हर नागरिक इस लड़ाई में जुड़कर लड़ रहा है, फिर चाहे वह लॉकडाउन का इम्प्लीमेंटेशन हो या सोशल डिस्टेंसिंग से रिलेटेड बिहेवियर चेंज हो, कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन का स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्वेलेंस से हम हेल्थ वर्कर्स का सहयोग करते रहें और हर तरीके से फील्ड स्थाई पर पेशेंट मैनेजमेंट पर फोकस कर हम मॉर्टैलिटी को अवॉइड करें, यह हमारा प्रयत्न होना चाहिए। आज जब हम कुछ प्रांतों में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किए कर रहे हैं, तो जरूरी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पूर्णतः पालन करें, ताकि जो कोविड के केसेस कुछ जिलों में कुछ राज्यों में कम हो रहे हैं, वे और भी कम हों, और जो जिले ग्रीन जोन में चले गए हैं, वहाँ पर हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह जीरो केस की स्थिति में ही बने रहें। हम सभी को पता है कि इस बीमारी की कोई अभी तक वैक्सीन नहीं है, इसकी अब केवल एक ही वैक्सीन है जो हमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव सपोर्ट करती है, वह है सोशल वैक्सीन यानी सोशल डिस्टेंसिंग। इसीलिए फिर आप लोगों से विनती है, आपके द्वारा सबसे विनती है कि काइंडली हमें सपोर्ट करें कि सोशल डिस्टेंसिंग और प्रिवेंटिव गाइडलाइंस का पालन देश का हर व्यक्ति एक जिम्मेदारी के रूप में करता रहे और बिहेवियरल चेंज के रूप में अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, ताकि हम इस लड़ाई से जीत सकें। धन्यवाद। नाउ ऑनलाइन क्वेश्चन फॉर ICMR। द रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट हैव कम अंडर स्कैनर वर्ल्ड ओवर फॉर क्वालिटी इशूज। डिड ICMR कंडक्ट बैच वाइज क्वालिटी टेस्ट बिफोर डिस्पैचिंग देम टू स्टेट्स एज सर्टन स्टेट्स हैव रेज्ड कंसर्न अबाउट देयर क्वालिटी? ये जो रैपिड टेस्ट हैं, जैसा मैंने बोला, सारे दुनिया में कहीं भी उसको इंडिविजुअल के डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि अभी भी एक चीज़ कायम है कि इस विषाणु के खिलाफ एंटीबॉडी जो डेवलप होती है, वो एंटीबॉडी कितनी पावरफुल होगी, वो इम्यून रिस्पांस का द्योतक होगी क्या, इसका कहीं पता नहीं है। ऐसे रहते हुए भी इसका इस्तेमाल सर्वेलेंस पर्पस के लिए हो सकता है, क्योंकि सर्वेलेंस में, मैंने जैसे पहले एक बार बताया था, मैं अगर ये बताना चाहता हूँ कि 5% समझ लीजिए, कहीं सर्वे किया 5% लोगों को बीमारी थी, वो अगर 4.5 भी आई और वो कंसिस्टेंट एरर, उसी ढंग से वही टेस्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी से भी उतनी 4.3 भी आई, कंसिस्टेंट रही वो एरर, तो उसमें एपिडेमियोलॉजिक सर्वेज में जहां हम ट्रेंड मॉनिटर कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो गिनती ही कम करता है। आपको अगर उदाहरण देना है तो सादे ढंग से देता हूँ, जैसे अगर वो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन होता है और उसका कंपैरिजन हम जो बाथरूम स्केल इस्तेमाल करते हैं वजन के लिए, वो दोनों में अगर हमने देखा, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन जो होगा उस पर एक्यूरेट आएगा, लेकिन जो बाथरूम वेइंग मशीन है उसमें एरर रहेगी। लेकिन अगर वजन देखना है तो हमको 100 ग्राम से फ़र्क आया क्या, इससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हम वज़न 60-70 किलो का देख रहे हैं, वो थोड़ा कम ज़्यादा इधर उधर हुआ तो भी चल जाता है। इसकी ये तो पहली बार टेस्ट आई है हमारे यहाँ, तो एक ही बैच जो आई है तो वो सवाल तो उठेगा नहीं। ये सारी टेस्ट जो एंटीबॉडी टेस्ट आई हैं, उनकी ये CE-IVD अप्रूव्ड हैं, इनको टेस्ट किया गया था कि ये उसकी जो सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी क्लेम्ड है वो उसके कॉन्फिडेंस के रेंज में है क्या करके, उसमें वो ठीक पाई गई। हमको जो दूसरी एक ये मिली है कि वेस्ट बंगाल में कुछ टेस्ट जो BGI किट करके माना जाता है, RT-PCR किट, वो RT-PCR किट बराबर काम नहीं कर रहा है, ऐसे हमको एक ग्रीवेंस मिला।
वो ग्रीवेंस के तरफ देखते वक्त दो तीन चीज़ें हमको याद रखना है कि ये BGI किट USFDA अप्रूव्ड है, उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं। सिर्फ इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये जब किट हमको रखना है तो उसको 20 डिग्री के नीचे टेम्परेचर रहना चाहिए। 20 डिग्री के अगर ऊपर गया तो वो टेस्ट रिजल्ट्स बराबर नहीं आ सकते हैं। तो जो कंप्लेंट थी वो कंप्लेंट ये थी कि कुछ लोगों की रिपीट टेस्ट करना पड़ा क्योंकि सारे लाइट अप नहीं हो रहे हैं, उसके साथ कंट्रोल जो रहते हैं वो। ये कब होता है? कभी कभार टेक्नीशियन जब वो काम करेगा, ज़्यादा सैंपल नहीं रहे तो उसके स्ट्रिप्स निकाल के उसको और एक बार रन करता है दूसरे टेस्ट को करने के लिए। जब वो वैसे करने जाएगा तो उसने वो कहाँ किट रखा था, वो क्या रूम टेम्परेचर पे छोड़ के उसने फिर टेस्ट करने की कोशिश की, उसके ऊपर वो आमादा होगा। लेकिन हमने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को भी बताया है कि जो NIV में हम किट इस्तेमाल करते हैं वो किट तकरीबन 10,000 टेस्ट के लिए काफ़ी हैं। वो नाइसेड में है, कलकत्ता में, वो हम उनको टेम्पररी वो क्राइसिस टाइड ओवर करने के लिए दे रहे हैं। मिस्टर सुनील प्रभु, NDTV। हेलो, टू द MHA, reactions from states like West Bengal about the spirit of federalism, about the ICMT's teams which have been sent. I know the guidelines of the National Disaster Management Act and why you sent those teams, but state some misgivings, as well as the fact that you're using and not an order, but a direction which has been said in a Supreme Court judgment. There's a big difference. Even Supreme Court judges have pointed out that that cannot be seen as an order. It's only a direction. The observations to be read as directions. And to ICMR, what is the issue about, the fact that asymptomatic people are turning positive? How do you respond to that? Asymptomatic people turning positive, यानी positive आदमी asymptomatic दिखा, ऐसे आपको कहना है ना? Asymptomatic. तो वो तो हमने पहले भी बहुत बार बताया है, 100 लोगों को अगर इन्फेक्शन हुआ तो उसमें से 80 लोगों को इन्फेक्शन उसमें कोई लक्षण दिखाई नहीं देता। वो दिखने को भले एसिम्प्टोमेटिक रहे, उसको अगर हम जांच करें तो उसकी भी टेस्ट पॉजिटिव आने का चांस रहता है। As I mentioned, that the purpose of constituting the interministerial teams is to provide support and assistance to the states in their endeavor to combat COVID-19. The teams have been very carefully constituted so that support can be provided both from health aspects, from administrative aspects, from disaster management aspects, and I'm sure the states will benefit with it. As regards what our orders say, the orders are available on the website. I would request you to read them very carefully. It's very clear what the order says. It mentions the observations of the Honorable Supreme Court, but the orders have been issued under various provisions of Section 35 of the Disaster Management Act. Thank you. Another online question. Just one, the spirit of federalism, because states are... Okay, it's all right. I think that's... 30 journalists in Mumbai tested positive. Will the Ministry of Health and Family Welfare test all the journalists on ground? I think this is of concern to everyone of... Sir, it is present. Important. We have already been highlighting multiple times. We have talked about it. Infection prevention management is a very important component of disease management. And what we are hearing about our journalists becoming positive is definitely very unfortunate news. We would request that kindly, when you are attending to your call of duty, follow the required precautions, follow the required social distancing norms, and also use face mask or face covers, so and besides keeping the distance. And as far as the sampling is concerned, sampling criteria is very clear, and as per that sampling criteria, anyone who need to be tested will be sampled. Mr. Ashok Raj, ANI. Hi sir, my question is, if someone tests positive or confirmatory RT-PCR test done, there were report that this Chinese antibody test have been faulty in the past. In this a concern,
because of lot of cases have come positive that have no symptoms, and this Chinese antibody rapid testing kits have a track record of being faulty. I see, Mark. मैं नहीं बोलूँगा ना, कुछ problem नहीं. नहीं, हमने बार-बार एक कहा है, antibody test देरी से positive आती है. उसको positive आने को एक अंदाज बताया जाता है. एक ही स्टडी है, एक समझ के चलिए, एक ही स्टडी है जो बोलती है 15 दिन के बाद में वो टेस्ट पॉजिटिव आती है. पीसीआर ये पहली टेस्ट होती है जो सबसे यानी अच्छी टेस्ट करके मानी जाती है, जिसमें इंडिविजुअल को बीमारी है क्या नहीं ये तय किया जा सकता है. वो टेस्ट बहुत पहले पॉजिटिव आ जाती है. जब इंसान सिम्टोमेटिक रहे तो वो तो पक्का पॉजिटिव रहती है. अब ये जो डिस्कॉर्डेंस है, यानी पीसीआर पॉजिटिव आएगा लेकिन एंटीबॉडी तैयार होने को टाइम लगेगा, ये तो नेचुरल है, यानी ये बीमारी में दिखाई देता है. तो इस किस्म की डिस्कॉर्डेंस हमको दिखेगी. वंतिका घोष, इंडियन एक्सप्रेस. सर, आई हैव टू क्वेश्चंस. वन इज फॉर द हेल्थ मिनिस्ट्री एंड वन इज फॉर आईसीएमआर. दिस द एमएचए ऑर्डर, it says it is clear to the central government that the situation is especially serious in Kolkata, Howrah, Mednipur East, 24 Parganas North, Darjeeling, Kalimpong and Jalpaiguri districts in the state of West Bengal. So I would like to know what is the situation health wise, what are the circumstances that necessitated this, and to ICMR sir, if 80% of our cases are of all COVID cases are asymptomatic, then isn't it time that we revise the testing strategy and remove all those symptomatic, because you know, except in hotspots, all the people and except for the asymptomatic contacts, you're testing everybody when they are symptomatic. So is it time to revise that strategy? Ma'am, we have been highlighting that when we identify which are the areas, which are our areas of concern, there are primarily two major criteria. One is in some places, if higher number of cases are noted. Second is also the fact where rate of growth of the cases or the doubling is high or the doubling rate is low. So these become our primary criteria to identify where we need to have effective intervention so as to ensure that those areas do not lead to larger number of cases further. Mr. Rajat, NewsX. एक चीज हमको समझना है. मैंने जैसे बोला कि RT-PCR test ज़्यादातर इंसान सिम्टोमेटिक हुआ उस टाइम पे पॉजिटिव आती है. इंसान को सिम्टोमेटिक होने के लिए भी वक्त लगता है, ठीक है. इसका मायना क्या है, मैंने उसको जब मैं वो एसिम्टोमेटिक रहेगा उस टाइम पे ये टेस्ट का पॉजिटिव आने का चांस उतना ही कम होते जाएगा जितना वो इन्फेक्शन के कितना नज़दीक है उसके ऊपर वो रहेगा. अब रहा सवाल कि क्या इसकी वजह से, अब ये टेस्ट के लिमिटेशंस हैं. मैं जैसे बार बार एक कह रहा हूँ कि कुछ कुछ चीज़ें गिवन है, ये नई बीमारी है, ये बीमारी को समझने की जब लोग देख रहे हैं उस बीमारी की तरफ, उसी वक्त इंटरवेंशन भी करना है, इतना ही तेज़ी से करना ये ज़रूरी बन रहा है. जो है उसको समझ के जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं. रहा सवाल अभी इस, हमने गाइडलाइंस बदलना चाहिए क्या. जैसे मैंने बोला, जितने आप इन्फेक्शन के टाइम पॉइंट के नज़दीक जाएंगे उतना ये टेस्ट पॉजिटिव आने का चांस और कम होते जाएगा. सिम्टम्स जब रहते हैं उस वक्त ये टेस्ट पॉजिटिव आती है. इसका मतलब उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस या रिस्क बेस्ड अप्रोच, इसमें हमको यील्ड कम होते जाएगी. इसको अभी बदलना चाहिए क्या, ये सोचना भी शायद अभी मैं बोल नहीं पाऊंगा. मैं ऐड करना चाहूँगा इस विषय में. जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया है, एक्चुअली अराउंड 80% केसेस या तो एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टम्स के साथ पाए जाते हैं. जो वर्ल्ड वाइड हम लोगों ने इसको एनालिसिस किया है, अराउंड 15% केसेज हैं जो सीवियर केसेज में कन्वर्ट होते हैं, जिनको हो सकता है कि ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, और 5% केसेस जो होते हैं वो क्रिटिकल केसेस में कन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं. तो जो हमारा टेस्टिंग क्राइटेरिया है वो काफ़ी डिटेल्ड है. अगर आप देखें उसमें सिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स जो कि लैब कन्फर्म केसेस के या हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो सिम्टोमेटिक हैं,
और साथ में एसिम्प्टोमैटिक अगर वो डायरेक्ट या हाई रिस्क कॉन्टैक्ट होते किसी कंफर्म केस के, उन दोनों का भी प्रोविजन किया गया है। तो अभी जो हमारा टेस्टिंग क्राइटेरिया, इट टेक्स इनटू अकाउंट द पॉइंट आपने मेंशन किया है, और साथ में ये हमारे जो सैम्पलिंग क्राइटेरिया है वो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस पर भी फोकस करते हुए भी उनकी भी टेस्टिंग करता है। मैं ही भूल गया बट लेकिन हाई रिस्क एरिया में हमने इवन ILI इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस यानी एकदम माइनर इलनेस को भी जांच करने के लिए रखा है। अब इससे आगे कहाँ तक जा सकते हैं ये तो टाइम बताएगा जैसे बीमारी और या टेस्ट सुधरेगी। लास्ट क्वेश्चन मिस मधुरेंद्र न्यूज नेशन। जो हेलो प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हम तबलीगी जमात की तो लगातार चर्चा करते रहे हैं कि 23% अप्रॉक्स उनका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इन स्टेट्स में क्या कहेंगे, महाराष्ट्र में खासतौर पे, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु में और मध्य प्रदेश में, क्या रीज़न रहे कि यहाँ पर लगातार केसेज बढ़ते रहे और मेजर कॉज क्या रहा। दूसरा सवाल सर इसी में मैं जानना चाहूँगा कि चूँकि 80% है कैरियर तो है और जाहिर तौर पर अनोन है लोगों के लिए कि उसमें कोई सिम्टम है, तो उस कैरियर से लोग कैसे बचेंगे, लोगों को पता ही नहीं है 80% लोग सिम्प्टोमेटिक हैं लेकिन वो कैरियर बने हुए हैं, उनके लिए क्या गाइडलाइन। सर जैसे आपने बताया हम स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, स्टेट के साथ डिस्कस करते हुए जहां पर भी केसेस आते हैं हम स्टेट के साथ डिस्कस करते हुए उसी हिसाब से स्ट्रैटेजी बना के कैसे केसेस कंट्रोल किए जाएँ उस पर एफर्ट करते हैं। आपने बताया महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में सेंट्रल गवर्नमेंट की 3 टीम वहाँ अभी भेजी गई हैं जो मुंबई, पुणे और ओवरऑल महाराष्ट्र में स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके एफर्ट कर रही हैं। इसी तरह हमारी टीम्स जितने भी स्टेट्स में ज़्यादा केसेस पाए जाते हैं तो उनके साथ भेजते हुए, उनके साथ डिस्कस करते हुए कैसे स्ट्रेटेजाइज किया जाए हम उस पर काम करते हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने कई बार इस पर डिस्कस किया है कि अगर हमारे पास केसेज आते हैं तो हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, या तो हम उसे क्लस्टर मानते हैं या मल्टीपल क्लस्टर यानी कि एक लार्ज आउटब्रेक के तहत ट्रीट करते हैं, और उन जो हमारे क्लस्टर या लार्ज आउटब्रेक के हिसाब से ट्रीट करते हैं, जो हमारा प्रोटोकॉल होता है वो स्टेट के साथ डिस्कस करके, फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिस्कस करके उसको कंटेनमेंट के एफर्ट्स किए जाते हैं। और जो इशू आपने बताया वाइल डॉक्टर गंगाखेड़कर साहब विल फर्दर दिस थिंग इन दैट, मैंने इससे भी पहले आपको बताया कि 80% केसेज एसिम्प्टोमैटिक नहीं होते, 80% केसेज एसिम्प्टोमैटिक और माइल्ड सिम्टम्स के साथ होते हैं, तो हम उनको ट्रैक कर सकते हैं। और रही बात इसकी कि कैसे हम उन लोगों से बचें, तो इसमें इशू ये होता है कि जब आप एक केस को एनालाइज करते हैं तो आप देखते हैं उसकी कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री या कोई ट्रैवल हिस्ट्री तो नहीं है, और उसके बेसिस पे साथ में उसके क्या जो डिजीज के सिम्टम्स हैं या उसके कॉन्टैक्ट हिस्ट्री, यू कैन ऑलवेज मेक ए क्लिनिकल असेसमेंट कि आपको किसकी टेस्टिंग करनी है और किसको होम क्वारंटाइन या फैसिलिटी क्वारंटाइन सजेस्ट करना है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। इसमें सिर्फ 2 लाइन ऐड करता हूँ जो लव अग्रवाल साहब ने आपको बताई। हर पॉजिटिव इंसान को हम आइसोलेट करने का तो बोलते हैं, सिम्टोमेटिक होगा एडमिट करना है तो एडमिट करने की बात करते हैं, ये स्टैंडर्ड अप्रोच होता है। कोई इन्फेक्शियस डिसीज जो रेस्पिरेटरी मोड में का है, अगर ट्रांसमिशन होने का चांस है तो उसको अलग से करो। लेकिन जब हमको एसिम्प्टोमेटिक लोग दिखते हैं तो हमको दूसरा रास्ता क्या होएगा, सब लोगों को जो उसके कॉन्टैक्ट होंगे उनको या तो हम होम बेस्ड आइसोलेशन करें, नहीं हमको अगर पूरे लोग मालूम नहीं हैं तो हम जैसे आज हम बोल रहे हैं हर इंसान को बोलें कि आप फिजिकल डिस्टेंस सेफ रखो, जहाँ तक हो सके लॉकडाउन पालो। इसमें क्या एक अंदाज़ आ रहा है कि जो भी होगा, सिम्टोमेटिक होगा या एसिम्प्टोमेटिक होगा, वो एक दूसरे से वो इतने नज़दीक नहीं आए जिससे ये ट्रांसमिशन हो पाए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।